स्टार्ट हो गई। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम, मैं मोहम्मद इकबाल, चेयरमैन काशिप इकबाल सेलिब्रेशन सेंटर। आज मैं अपने वार्ड की विजिट करवाता हूँ, शेयर करवाता हूँ इन बच्चों की। देख रहे हैं आप कि ये इनका आयरन कंट्रोल करने की मेडिसिन इनकी लग रही है, और ये एक ड्रिप हमें तकरीबन ये 1300 रुपये की, एक 1400 रुपये की पड़ती है। इन हर बच्चों को ये लगी हुई, अगर ये आयरन कंट्रोल ना करें इनकी लाइफ बेहतर नहीं हो सकती इन बच्चों की, क्योंकि इनको जब ब्लड लगता है आप देख रहे हैं कि ये इनकी सुकून की नहीं कोई बात नहीं बेटा, ये कतरा कतरा जिंदगी, ये इनकी सुकून की नींद है, है? ये काशिप देख रहे हैं, काशिप को लंदन में ब्लड लग रहा है, आज इस दुनिया में नहीं है मगर इन बच्चों के साथ है। आज काशिप को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वसीला बनाया। इन बच्चों को जब ब्लड लगता है तो ब्लड के साथ जो आयरन आता है वो तो बहुत बढ़ जाता है। आयरन निकालने के सबसे महंगा मेडिसिन का सिलसिला है, और ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना से किया हुआ है कि अभी अल्लाह अपने फरिश्ते दुनिया में उतारता है मैं लोगों की, इन बच्चों की मदद के लिए, अदालत की मदद के लिए। आरिफ मंजा साहब ने रब्ता किया उनके ज़रिए, शिकागो फ्रेंड साहब पाकिस्तान ने रब्ता किया उनके ज़रिए, और बहुत सारे दोस्त आ गए, राशिद अली खान साहब आ गए, यासर साहब आ गए, और मोटा साहब आ गए, और बहुत सारे जिनके मुझे नाम नहीं पता मगर हमारे इस काफिले में शामिल हो गए। यकीन करें करोड़ों रुपए की मेडिसिन इन बच्चों की आ चुकी है इनकी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए। आयरन कंट्रोल होगा, ये बच्चे अच्छी लाइफ गुजारेंगे, और सब, और ये डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, इन बच्चों के बड़े होंगे कि शादियां होंगी, मगर जब होगी ये जब मेडिसिन इनको मिलेगी। मेडिसिन के लिए मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है तमाम लोगों से, जिसको अल्लाह ने दिया वो इन बच्चों की मदद करें। अरबों करोड़ों रुपया बैंक के अकाउंट में पड़ा हुआ मगर फायदा कुछ नहीं। ये बच्चे ये जीना चाहते हैं बच्चे सारे, ये सारे ये बच्चे ये देखें इतने बड़े ऐसे थोड़ी हो गए ये बच्चे, ये देख रहे हैं ये मोटू को कि माशाल्लाह ये ब्लड लग रहा है, ये पानी नहीं लग रहा है, ये ब्लड लग रहा है। कतरा कतरा जिंदगी, ये इन बच्चों की जिंदगी उन इन ब्लड से है। अगर लोग नौजवानों से मेरी बड़ी अपील है, बड़ी दरख्वास्त है, प्लीज़ इन लोगों की जिंदगियाँ बचाएँ। ये बच्चे हमारे दिल के टुकड़े हैं, ये आपके ब्लड से जिंदा रहते हैं। आप हर महीने नहीं तो अपनी सालगिरह के दिन ही इन बच्चों को ब्लड देके इनकी ज़िंदगी बचाएं, यही तो ज़िंदगी का मज़ा है। अपनी ज़िंदगी तो हर कोई जीता है, अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है ज़िंदगी का मतलब इनके काम आना। ये बच्चे ये देख रहे हैं ये माशाल्लाह, ये तो यहाँ पे शौक भी नहीं आए, ये किसी पार्क में घूमने नहीं आए, ये ब्लड लग रहा है इनको। और ब्लड कैसे लगेगा, ब्लड जब लगता है कि जब कोई हमें ब्लड देगा, इन बच्चों की ज़िंदगी बचाएगा। आयरन कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, बार बार ब्लड लग, काशिफ को ब्लड लगता था 16 साल काशिफ जिंदा रहा, आज काशिफ इस दुनिया में नहीं है। आज काशिफ को 16 साल में इतना ब्लड लगा कि कम से कम उसका आयरन इतना बढ़ गया ब्लड से कि एक नॉर्मल इंसान के जिस्म में ये काशिफ है, इसको इतना ब्लड लगा 16 साल के अंदर। ये लंदन में इसके इंतकाल से चंद घंटे पहले की तस्वीर है ये, और इसको ब्लड लगते 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 16 साल का हो गया। बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए लंदन ले गया, ट्रांसप्लांट नहीं हो सका इसका क्योंकि इसके बॉडी में आयरन बढ़ गया था। आज हमारे बच्चे खुशकिस्मत हैं दुनिया के, पाकिस्तान में इस टाइप का कोई अदारा नहीं है, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, इसलिए कि हमारे सारे बच्चे आयरन सेलेक्शन पे, सबको आयरन कंट्रोल करने की मेडिसिन मिल रही है। मेरे बेटे को नहीं मिली, 40 से 160 नैनोग्राम लिमिट होती है 160 इस आयरन की हमारे आपके जिस्म में, मगर काशिफ के जिस्म में 160 के बजाय 11,000 आयरन था। मैंने इसकी एक तकलीफ का डेट देखी है। मैं चाहता हूं कि इन बच्चों की ज़िंदगी बचाने के लिए मुखैर हजरात को सामने आना चाहिए। शिकागो फ्रेंड साहब पाकिस्तान के मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूं। ये दूसरा वार्ड आपको देख रहे हैं, ये बच्चों को ये देखें, ये छोटे मुल्ला जी, ये छोटे मुल्ला जी को ब्लड लग रहा है, ये पढ़ते हो स्कूल जाते हो हैं, ये देखो ये हंसता मुस्कुराता है, मगर क्या है इनकी हंसना और मुस्कुराहट इस ब्लड के अंदर है। हाँ बिल्कुल, ये सारे बच्चे देख रहे हैं आप, ये सारे यहाँ पे बच्चों को ब्लड लग रहा है, ये बच्चों को ब्लड लग रहा है, ये सारे ये बच्चे जिएंगे जब हम ब्लड देंगे। ये बच्चों की ज़िंदगी बेहतर जब होगी जब हम इनका आयरन कंट्रोल करेंगे, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि तमाम दुनिया के लोग जो भी मेरी बात सुन रहे हैं कि वो इन बच्चों को लिए हेल्प करें, इन बच्चों की मदद करें, इनके आयरन कंट्रोल करने की दवा दें, और यहाँ पे दवा दिलवाएं इस अदारे के साथ जो ताउन कर सकते हैं। मेरा अदारा नहीं है,
हम सबका अदारा, हम सबकी जिम्मेदारी है इसको सपोर्ट करना, इन बच्चों की मदद करना। जजाकल्ला।